दोपहर के समय मेहुल एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक ग्लास लस्सी ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद उसी रेस्टोरेंट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, उल्टी सीधी चीजें खाते और पीते हैं। वेटर लस्सी लेके आता है और मेहुल लस्सी पीने लगता है। तभी अचानक मेहुल के पास एक कॉल आता है और मेहुल को पता चलता है कि चौराहे पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। मेहुल तुरंत अपनी कार से चौराहे पे पहुंच जाता है। कुछ लोगों ने उस आदमी की बॉडी को सड़क के किनारे पर रख दिया था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और वहां पर मौजूद लोगों से कहता है, तुम लोग इसे लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, सबके सब पर तमाशा देख रहे हैं। तब एक आदमी मेहुल को बताता है कि एक्सीडेंट होने के बाद ही ऑन द स्पॉट इस आदमी की डेथ हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल ले जाने का कोई मतलब नहीं था। मेहुल डेड बॉडी को चेक करता है तो उसके पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और एक मोबाइल मिलता है। मतलब इसका नाम कौशल है और ये एक ड्रिंकिंग वाटर वाली फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मेहुल उसका मोबाइल चेक करता है, इसके मोबाइल में तो एक दो फोटो और मोबाइल नंबर्स के अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये बहुत ही सीधा साधा आदमी था और इससे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था। मेहुल को कौशल के मोबाइल में उसकी फैक्ट्री के मैनेजर का नंबर मिलता है। मेहुल तुरंत उसे कॉल करता है तो मैनेजर मेहुल को बताता है कि कौशल ने एक हफ्ते पहले ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन की थी और उसकी नाइट ड्यूटी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक हफ्ते पहले ही कौशल ने नौकरी ज्वाइन की और आज इसका एक्सीडेंट हो गया। मेहुल को चौराहे के सामने वाली दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। मेहुल तुरंत दुकान के अंदर जाता है और मालिक से सीसीटीवी फुटेजेस देखने के लिए कहता है। फुटेज देखते देखते मेहुल को वो वीडियो मिल जाता है जिसमें कौशल का एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो देखते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौशल का एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। क्यों लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्यों लगा, सोचिए सोचिए। वीडियो को ध्यान से देखिए, एक्सीडेंट करने वाली कार कौशल की बाइक को टक्कर मारकर पूरी स्पीड से बिल्कुल सीधी निकल गई। अब जब कौशल सामने आया था तो कार को ब्रेक मारने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, लेकिन कार ने तो और एक्सेलरेट कर दिया। इसका मतलब वो जानबूझकर उसे मारना चाहते थे। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे कौशल की फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर बनता है। इसके बाद मेहुल एक आदमी को कॉल करता है, वो अपनी पिकअप वैन लेके आता है और कौशल की टूटी फूटी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। तभी मेहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है और मेहुल तुरंत वापस से उस दुकान में जाकर सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। मेहुल कई बार एक्सीडेंट वाली कार को देखता है लेकिन उसकी नंबर प्लेट क्लियर नहीं दिख रही थी। मेहुल वीडियो को पॉज करता है और अपने मोबाइल में मौजूद एक सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो को जूम करके देखता है तो उसे एक्सीडेंट करने वाली कार का नंबर मिल जाता है। ये नंबर तो नकली है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये नंबर नकली है, सोचिए सोचिए। दिल्ली में केवल 11 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब मैक्सिमम DL11 तक के नंबर होने चाहिए। 99 तो पॉसिबल ही नहीं है और इस कार के नंबर में तो DL99 लिखा हुआ है। इतने डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ है ही नहीं, मतलब ये नंबर प्लेट नकली है। मेहुल शहर की सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और उस नकली कार के बारे में भी बता देता है। अब उस कार को ढूंढ के कोई फायदा नहीं क्योंकि अब तक तो खूनी ने कार का नंबर प्लेट बदल दिया होगा या पॉसिबल है कार का कलर भी चेंज कर दिया होगा। मेहुल कौशल की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवाता है और डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में मेहुल की कार पंचर हो जाती है। यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है, मुझे खुद ही टायर बदलना होगा। मेहुल अपनी कार की डिक्की से दूसरा पहिया निकालता है और 10 मिनट के अंदर ही पहिए को रिप्लेस कर देता है। इसके बाद मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। सेल बोट, मोटर बोट, सबमरीन और कयाक, लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं इनमें क्या ऑड वन आउट है, सोचिए सोचिए। इन चारों में सबमरीन ऑड वन आउट है, वो पानी के अंदर चलती है और बाकी चीजें पानी के ऊपर चलती है। मेहुल 3 नंबर बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना एक केमिकल पर रिसर्च कर रही थी। डॉक्टर संजना, इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीजिए, तब तक मैं केस की छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद मेहुल डेड बॉडी को वहीं छोड़कर तुरंत से चला जाता है जहाँ पर कौशल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। मैनेजर, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और कौशल के मर्डर के बारे में छानबीन करने आया हूँ। मेहुल ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर तलाशी लेता है। मेहुल पूरी फैक्ट्री को छान मारता है लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेहुल वहाँ के सारे वर्कर से पूछताछ करता है लेकिन उनसे भी कोई खास सबूत नहीं मिलते। इसके बाद मेहुल मैनेजर के पास जाकर फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट देखता है। तभी मेहुल की नजर एक रजिस्टर पे पड़ती है जिसपे सारे वर्कर्स की डिटेल और ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई थी। उसपे कौशल का भी नाम था और उसने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और उसके साथ दो गार्ड और ने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था। मेहुल को कुछ डाउट होने लगता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को क्या डाउट होने लगता है, सोचिए सोचिए। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही 3 सिक्योरिटी गार्ड ने ज्वाइन किया, मतलब 3 गार्ड ने छोड़ा भी।
ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना एक हफ्ते के अंदर तीन तीन सिक्योरिटी गार्ड नौकरी छोड़कर क्यों जाते? सच्चाई का पता लगाने के लिए मेहुल वहां से वापस आ जाता है और फैक्ट्री के पास बने हाईवे पे इंतजार करता है। शाम होते ही फैक्ट्री के तीन वर्कर्स वहां से निकलते हैं। मेहुल उनके पास जाता है और उनसे पूछताछ करता है। पहला वर्कर कहता है, सर मैं तो दिन में ड्यूटी करता हूँ और कौशल नाइट में ड्यूटी करता था, इसलिए मैं तो कौशल को नहीं जानता हूँ। दूसरा वर्कर कहता है, सर मैं तो दो दिन पहले ही काम पर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरा वर्कर कहता है, सर मैं पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पर था, आज ही काम पर वापस लौटा हूँ, मुझे नहीं पता है। तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि एक झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कौन है लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? पहला वाला वर्कर झूठ बोल रहा है। वह कह रहा था कि कौशल नाइट में ड्यूटी करता है और वो दिन में, और वो कौशल को नहीं जानता है। अगर वो उसे नहीं जानता है तो उसे कैसे पता कि कौशल नाइट में ड्यूटी करता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है, तो वो वर्कर बताता है कि फैक्ट्री के अंदर रात को पानी की जगह इल्लीगल तरीके से शराब बनती है और रातों रात उसकी सप्लाई होती है, लेकिन उस वर्कर को कौशल की मौत के बारे में कुछ नहीं पता था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर रात को शराब बनाई जाती है, इसलिए एक महीने के अंदर ही तीन सिक्योरिटी गार्ड नौकरी छोड़कर चले गए। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है। पुलिस फैक्ट्री के अंदर छापा मार देती है तो उन्हें फैक्ट्री के बेसमेंट में शराब बनाने वाली मशीन मिल जाती है और हजारों लीटर शराब जब्त हो जाती है, लेकिन फैक्ट्री का मैनेजर पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। मेहुल उसका पीछा करता है, लेकिन मैनेजर अचानक गायब हो जाता है। यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी हैं, मैनेजर जरूर इनमें से कोई फैक्ट्री में छुपा होगा। अब सामने तीन फैक्ट्रीज दिख रही है, लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी फैक्ट्री में मैनेजर जा सकता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहली वाली और दूसरी फैक्ट्री धागा बनाने वाली फैक्ट्री है, लेकिन तीसरी वाली फैक्ट्री ड्रिंकिंग वाटर वाली फैक्ट्री है। इसका मतलब उस मैनेजर की इस फैक्ट्री में जरूर कोई ना कोई पहचान जरूर होगी, और हो सकता है दोनों फैक्ट्रियों में कोई कनेक्शन भी हो। मेहुल सीधा फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। वहाँ मेहुल को सामने एक आदमी दिखाई देता है। मेहुल उसकी कॉलर पकड़ के पूछताछ करता है तो वह आदमी डर जाता है और मैनेजर का पता बता देता है। मैनेजर फैक्ट्री के बाथरूम में छुपा हुआ था। मेहुल उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सच सच बताओ तुमने कौशल को क्यों मारा? तो वो मैनेजर बताता है कि कौशल को उनके शराब बनाने के बारे में पता चल गया था और उन्हें डर था कि वो पुलिस को बता देगा, इसलिए उन्होंने कौशल को मार दिया। मेहुल फैक्ट्री के ओनर और मैनेजर सबको पकड़ के जेल में बंद कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। मेहुल, आलिया और डॉक्टर संजना तीनों जंगल में पिकनिक मना रहे थे। तभी मेहुल अपना कैमरा लेके जंगल में अकेले फोटो लेने के लिए चला जाता है। बीच जंगल में मेहुल को एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। मेहुल दूर से उसकी एक फोटो लेता है और फोटो को फिर जूम करके देखता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये आदमी तो मर चुका है। लॉजिकल आर्मी, क्या फोटो को देखकर बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये मर चुका है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, उस आदमी की गर्दन में बहुत सारी चींटियां हैं। इसका मतलब वो मर चुका है, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो उसकी गर्दन पे इतनी सारी चींटियां नहीं होती। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और उसकी डेड बॉडी को चेक करने लगता है तो आदमी के पीछे चाकू लगा हुआ था। इसका मतलब किसी ने इसका चाकू मारकर मर्डर किया है। मेहुल तुरंत आसपास अच्छी तरह से तलाशी लेने लगता है, लेकिन मेहुल को वहां कुछ नहीं मिलता। इसके बाद मेहुल उस आदमी के पॉकेट को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसके पॉकेट में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इस आदमी की जेब में तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसका मर्डर चोरी के लिए नहीं किया गया है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी का मर्डर चोरी के लिए नहीं हुआ है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, उस आदमी ने एक हाथ में महंगी घड़ी पहन रखी है और दूसरे हाथ में देखिए कितनी सारी गोल्ड की अंगूठियां हैं। अगर खून चोरी के लिए होता तो ये चीजें भी यहाँ से गायब हो जानी चाहिए थी। इसके बाद मेहुल तुरंत डॉक्टर संजना और आलिया को तेज आवाज लगाकर वहां बुला लेता है। मेहुल की आवाज सुनते ही आलिया तुरंत दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है। किसी ने इस आदमी का मर्डर कर दिया है, हमें पिकनिक को छोड़कर पहले केस की छानबीन करनी होगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना भी वहां जाती है। मेहुल की कार जंगल के बाहर सड़क किनारे पे खड़ी हुई थी। मेहुल और आलिया डेड बॉडी को लेकर अपनी कार में रख देते हैं और फिर डॉक्टर संजना के साथ पिकनिक का सारा सामान लेकर गाड़ी में रख के वापस शहर की तरफ निकल जाते हैं। जंगल से शहर तक पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहले रास्ते पर दो दिन से भूखा खुकार शेर बैठा हुआ था। दूसरे रास्ते पे एक बहुत बड़ा सांप जा रहा था और तीसरे रास्ते पे बहुत सारे कांटे पड़े हुए थे और साथ ही कुकार भेड़ियों का झुंड शिकार की तलाश कर रहा था।
लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल दूसरा रास्ता लेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए दूसरे रास्ते पे जो सांप जा रहा है वो एकदम सीधा जा रहा है। अब सांप कभी भी सीधा नहीं चलते हैं, वो हमेशा जिगजैग मोशन में चलते हैं। इसका मतलब वो सांप नकली है। मेहुल दूसरा रास्ता लेता है और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना अपने फिंगरप्रिंट से लैब का दरवाजा खोलती है और मेहुल उस आदमी की डेड बॉडी को लेकर अंदर आ जाता है। डॉक्टर संजना उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती है और मेहुल को बताती है कि इस आदमी की मौत चाकू मारने से नहीं हुई है, बल्कि इसे एक स्पेशल जहर दिया गया है जो कि सिर्फ शहर की लैब्स में ही मिल सकता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उसे जहर देकर मारा गया और खूनी ने बाद में चाकू मार दिया होगा ताकि हमें गुमराह कर सके। हमें सारे लैब्स के बारे में इन्फो निकालनी होगी। मेहुल आलिया से शहर में मौजूद सारे लैब्स के सैंपल्स की रिपोर्ट्स लाने के लिए कहता है, जिससे पता चल सके कि कौन से लैब से वो जहर दिया गया है। तभी अचानक मेहुल के पास भूलभुलैया साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो मेहुल को बताता है कि उसने अपने लैब में एक स्पेशल पॉइजन बनाया था, उसका जहर चोरी हो गया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है खूनी ने भूलभुलैया साइंटिस्ट की लैब से ही जहर चुराया होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उसके लैब तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए जिससे वो साइंटिस्ट तक पहुंच जाए? ए बी सी या डी? अच्छे से सोचिए। इसका सही जवाब है रास्ता बी, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट की लैब तक पहुंच जाता है। भूलभुलैया साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक स्पेशल तरीके से जहर बनाया था जिसकी मदद से बड़े वायरस को भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन वो जहर चोरी हो गया है। उस समय भूलभुलैया साइंटिस्ट की लैब में तीन लोग काम कर रहे थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो उस वक्त लैब में लाइम वाटर बना रहा था, उसके बाद मैं बाथरूम चला गया, तब चोरी हुई होगी। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं तो बालों पे रिसर्च कर रहा था, देखिए मेरे पास कुछ बाल भी हैं। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो सुबह से अब तक काम कर रहा था और काम करते करते मैंने 3-4 कॉफी भी खत्म कर दी, ये देखिए मेरे कप्स। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? पहला आदमी झूठ बोल रहा है, उसके लाइम वाटर को ध्यान से देखिए, अभी भी पूरा घुला हुआ है। अगर लाइम वाटर कुछ देर पहले बना हुआ होता तो चूना पानी से अलग हो जाता और उसके ऊपर एक मिल्की लेयर बन जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा घुला हुआ है। वो झूठ बोल रहा है, उसने अभी अभी लाइम वाटर बनाकर तैयार कर लिया ताकि झूठ बोल सके। मेहुल उसे पकड़ लेता है। अब सच सच बताओ, तुमने भूलभुलैया साइंटिस्ट का जहर चोरी क्यों किया? तब वो आदमी बताता है कि उसे गुड्डू भैया ने 10,000 रुपए दिए थे और जहर चोरी करने के लिए कहा, तो उसने वो जहर चोरी करके उसे दे दिया। तुमने 10,000 रुपए के लालच में गुड्डू को जहर दे दिया और उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया। अब जल्दी मुझे गुड्डू का एड्रेस दो। वो आदमी मेहुल को गुड्डू का एड्रेस दे देता है। मेहुल अपनी कार से गुड्डू के घर पहुंच जाता है। मेहुल दरवाजा नॉक करता है तो गुड्डू बाहर आता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और एक मर्डर के सिलसिले में तुमसे पूछताछ करने आया हूँ। मर्डर की बात सुनते ही गुड्डू मेहुल को एक जोरदार लात मारता है। मेहुल हवा में उछलकर दरवाजे से दूर जाकर गिरता है। इतने में गुड्डू दरवाजा लॉक कर देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो काफी ताकतवर है। अब मैं इसे बताऊंगा कि पावर क्या होता है। मेहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा काफी मजबूत था इसलिए मेहुल दरवाजा नहीं खोल पाता। अब मेहुल के पास घर के अंदर जाने के लिए 3 ऑप्शन थे। पहला दीवार पे लगी पाइप से, दूसरा बगल वाले कमरे की खिड़की से और तीसरा रस्सी के टुकड़े से। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को क्या ऑप्शन लेना चाहिए? सोचिए सोचिए। मेहुल पाइप से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि पाइप पर काफी काई लगी हुई है, मेहुल फिसल जाएगा। बगल वाली खिड़की को ध्यान से देखिए, वो ये वाले घर की नहीं दूसरे वाले घर की है और वहां एक लड़की भी दिख रही है। रस्सी का टुकड़ा भी एकदम छोटा है, मेहुल इसकी मदद से क्या कर पाएगा? मेहुल डोर को जोरदार किक मारता है और अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है। मेहुल गुड्डू को अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन गुड्डू पीछे वाले दरवाजे से भाग चुका था। मेहुल घर के पीछे वाले दरवाजे पे पहुंच जाता है। वहां से आगे 3 रास्ते जा रहे थे। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं गुड्डू तीनों में से कौन सा रास्ता लेके भागा होगा? सोचिए सोचिए। पहले और दूसरे रास्ते पे पैरों के निशान जाने के बने हुए हैं, लेकिन आप पैरों के बीच का डिफरेंस देखिए, बहुत कम है।
मतलब ये चलने के निशान है, लेकिन तीसरे वाले रास्ते पे देखिए पैरों के निशानों में काफी दूरी है, मतलब ये दौड़ने के निशान है। अब गुड्डू ऑब्वियसली पैदल चल के तो भागा नहीं होगा, वो दौड़ के भागा होगा, मतलब वो तीसरे वाले रास्ते से भागा है। ये रास्ता तो सुल्तानगंज की तरफ जाता है। मेहुल भी भागते हुए सुल्तानगंज की तरफ निकल जाता है और दौड़ते दौड़ते आलिया को भी सुल्तानगंज आने के लिए बोल देता है। मेहुल भी सुल्तानगंज पहुंच जाता है। आज संडे का दिन था इसलिए सुल्तानगंज का मार्केट पूरी तरह से बंद था, बस चाय पानी की कुछ दुकानें खुली हुई थी। मेहुल चारों तरफ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि गुड्डू कहां पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं गुड्डू कहां छुपा हुआ होगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, चाय वाले ने लेदर जैकेट और मफलर पहन रखा है जबकि टेम्परेचर बहुत हाई है, और बाकी लोगों ने हाफ कपड़े पहन रखे हैं। ये आदमी गुड्डू तो नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी में ऐसे लेदर जैकेट क्यों पहन रखा है? जरूर ये छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ एक्शन ले पाता, वो आदमी अपनी जैकेट से गन निकालता है और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल टाइव लगाकर बगल वाले ड्रम के पीछे छुप जाता है। वो जैकेट वाला आदमी लगातार फायरिंग कर रहा था। मेहुल के ड्रम में छेद होने लगते हैं। मेहुल अपनी गन निकालता है और उस आदमी के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल के हाथ में बंदूक देखकर वो जैकेट वाला आदमी दीवार के पीछे छुप जाता है। लेकिन इतने में वहां आलिया जाती है और उस जैकेट वाले आदमी को पीछे से एक डंडा मारती है। क्या बात है आलिया, तुम बिल्कुल सही समय पर आती हो। इसके बाद मेहुल और आलिया उस आदमी के चेहरे पे पानी डालते हैं तो वो होश में आ जाता है। अब सच सच बताओ तुम कौन हो और मेरे ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे थे? तब वो बताता है कि वो गुड्डू का आदमी है और गुड्डू ने उसे मारने के लिए बोला था। इसके बाद मेहुल और आलिया उस आदमी की मदद से गुड्डू को पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।